और देखिए हमारे दिलीप जी किस तरह से ठुमके लगा रहे हैं। ये देखिए परमार जी का अपना स्वैग है, और ये हमारे हरियाणा के साथी हैं, ये भी फर्स्ट टाइम आए हैं जम्मू कटरा एंजॉयमेंट करने के लिए, ये भी हमारे टीम में शामिल हो गए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप वैष्णो माता मंदिर में दर्शन के प्रोग्राम बना रहे हैं तो नवंबर दिसंबर में बनाएं, आई जाइए। नवंबर दिसंबर में आप आएंगे तो वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद आप इनोवा, स्विफ्ट डिजायर या इंडिको जो भी बुक करना चाहे बुक कर लें, और सीधा पटनी टॉप या नत्था टॉप आएं जरूर, और यहाँ पे बर्फबारी का खूब मजा लीजिए। यहाँ अगर आपको रुकना है तो रुक भी सकते हैं, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हैं। अगर आप पीने के शौकीन हैं तब भी टेंशन ना लीजिए, यहाँ हर तरह की व्यवस्था है। ये श्रीनगर अगर आप जाएंगे बर्फबारी देखने के लिए तो आपको ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, क्यों दिलीप जी? बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आपका कम बजट है तो आप पटनी टॉप और नत्था टॉप या भद्रवाह को रुक कर सकते हैं। यहाँ पे कम बजट में आप गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसा लुत्फ उठा सकते हैं। सही बात, बहुत ही मजेदार जगह है यहाँ पे। ये एक पार्क है जो पूरा बर्फ से भर गया है, यहाँ पे आप घोड़सवारी, स्लाइडिंग, हर तरह के जो ठंडी के मौसम में लुत्फ लेने वाले चीजें हैं उनका लुत्फ उठा सकते हैं। वो देखिए बैकग्राउंड में हम आपको दिखाएंगे, लोग एक दूसरे को बर्फ फेंक रहे हैं। अब ये हमारे बिमल जी हैं, आपको बता दूं, ये हमारे बिमल जी हैं। आपको बता दूं कि पत्नी टॉप लगातार मैं 21वीं बार यहाँ पर आ चुका हूँ। पत्नी टॉप लगातार क्या है कि 21वीं बार अमर उजाला में लगातार कवर करते हुए आपको लग रहा होगा कि लगातार क्या है कि लगातार आपको बताऊं कि यहाँ पर आप पत्नी टॉप आएँ तो आप स्लेजिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर घुड़सवारी कर सकते हैं, और बर्फबारी में आए तो यहाँ आपको कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप छोटे बच्चे और उनके लेकर आते हैं तो आप थोड़ा एहतियात के तौर पर आएँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। होटल्स आपको मिल जाते हैं, आपको पर्यटक गाइड्स आपको मिल जाते हैं, आपको लगातार हर तरह की सुविधा यहाँ मिल जाती है, तो आप हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं। हम आप बात करते हैं आओ स्लेजिंग वाले भाई से कि ये क्या कहते हैं, आओ यार कैसा चल रहा है पर्यटन का सीजन, कैसा चल रहा है? जे सारा अच्छा चलता है। जे हम हर साल इधर हम घूम वगैरह इधर करते हैं। ये स्लाइडिंग है आपका? स्लाइडिंग है सर। कितने का है ये, कितना कैसे देते हैं आप? ये हम 200 रुपये से 500 रुपये के अंदर इसका। हाँ लगातार हम लोग जब आते हैं तो इन्हीं के उसमें बैठते हैं, और लगातार हम लोगों ने स्लाइजिंग की बहुत बेहतरीन है। अगर जब भी आप आए तो आपको यहाँ मिल जाएंगे और स्लाइज को ऊपर उठा के दिखाइए कैसे होता है। तो लगातार जिस तरीके से की बात कर सकते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बर्फबारी में आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसमें बैठ सकते हैं। जब भी यहाँ भाई यहाँ हैं आपको मिल जाएंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको बहुत बेहतर रिजनेबल रेट में आपको दे देंगे। हो सकता है अगर आपके पास, इन्होंने यह भी बताया है कि अगर आपके पास पैसे ना आए तो अगर माना आप कोई आर्थिक तंगी का मतलब सामना कर रहे हैं तो आपको फ्री भी करवा सकते हैं, इसमें इनको कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात हुआ नहीं है। ये बिमल जी हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं। आइए इस बच्चे से पूछते हैं, क्यों बेटा? हेलो जी भाई, कैसे इसको आप चला रहे हैं? ये स्लाइडर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लाइड। स्लाइड कितने का है ये? ये 10 रुपए का। 10 रुपए का कितनी देर के लिए? आधा घंटा। 10 रुपए तो बहुत सस्ता आप दे रहे हैं। हाँ भाई, वाह वाह बहुत बढ़िया। अगर आप यहाँ स्लाइडिंग के इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आप आ सकते हैं 10 रुपए में। देख रही, ये देखिए भाई साहब स्लाइड कर रहे हैं, ये देखिए 50 रुपए का है। छोटू मजाक कर रहा था, कह रहा था 50 रुपए का 1 घंटे, लेकिन फिर भी 50 रुपए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप आते हैं तो स्लाइडिंग का यहाँ मज़ा ले सकते हैं। हम आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि जब आप कभी अगर जम्मू कश्मीर घूमने आए तो सिर्फ वैष्णो माता ही के दरबार में मत्था टेक के ना लौटें। ये हमारे साथी लोग हैं, थोड़ा मस्ती के मोड में हैं, लेकिन कोई नहीं, हम लोग यहाँ मस्ती करने ही आए हैं, तो सब कुछ चल रहा है। हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? ओके। अपने अपने तरीके से लोग पटनी टॉप में आते हैं और मस्ती करते हैं यार, जो है मतलब काम धाम घर परिवार के टेंशन में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो थोड़े दिन के लिए समय निकालिए, थोड़े से पैसे खर्च करिए और आइए जम्मू। जम्मू अच्छी जगह है, देखिए कैसे गाने के साथ मजा कर रहे हैं। ये हमारे हरियाणा से आए हैं भाई दर्शन घूमने टहलने मस्ती करने के लिए, सारी है। वाह, ये देखिए घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं, ये देखिए वाह
वो हमारे इरफान सर दूर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब चलो आओ चले कुछ नाश्ता पानी करते हैं। हम लोग सुबह से जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हालांकि भूख तो लगी है लेकिन बर्फ़ का फर्स्ट टाइम हम लोग बर्फीले ही वादियों में आए हैं तो मन नहीं भर रहा है, लेकिन अब यह कि भूख तो लग रही है, खाना तो पड़ेगा ही। अब चलते हैं हम लोग, कुछ लंच वंच करेंगे, कुछ खाने पीने के इंतज़ाम भी हैं, सब इरफान सर ने सारी व्यवस्था कर रखी है। पानी का गर्म बोतल हम अपने साथ लेके भाई आए हैं क्योंकि मैं ठंडा पानी नहीं पीता, ठीक है। तो ये देखिए हमारे बिमल जी हैं, सबसे टैलेंटेड पर्सन, पूरा सेल्फी स्टिक और सारा सब कुछ लेके आए हैं और खूबसूरत नज़ारों को कैद कर रहे हैं। ये देखिए ये बच्चे घुड़सवारी करना हो तो घुड़सवारी भी आप कर सकते हैं। क्यों भाई, घुड़सवारी का कैसा चार्ज है आपका? 200 रुपये एंगल। 200 रुपये कितनी देर के लिए? 10 मिनट। 10 मिनट 200 रुपये? हाँ। अरे यार, एक घंटे का दाम बताओ। एक घंटे का 700-800 रुपये। 700-800 रुपये, इतना महंगा चार्ज? और क्या, तो कहाँ कहाँ घुमाएंगे आप? रैपल गार्डन, व्यू पॉइंट, साइट सीन, फ्लावर गार्डन। अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। अच्छा, तो इस समय मतलब टूरिस्ट अच्छे आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी भाई, बढ़िया भीड़ हो रही है। हाँ। मतलब आप 26 जनवरी की वजह से कि बाकी डे भी ऐसा ही भीड़ रह रहा है? नहीं, पहले भी आता है। पहले भी आते हैं? हाँ जी, हाँ जी भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक भाई हैं ये। हाँ। जो है घुड़सवारी कराते हैं, कभी अगर आप आइए तो इनसे मिल के जो है घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद, ओके, थैंक यू। तो देख रहे हैं ना किस तरह से लोग घुड़सवारी का अगर आनंद आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग घोड़े पे बैठ के बर्फीले नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। अब इरफान सर हम लोगों को बुला रहे हैं कि अब थोड़ा सा पेट पूजा कर लिया जाए। ये देखिए, लकड़ी का बना हुआ पुल है, इरफान सर यहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। अब वो भी थक गए हैं, काफ़ी देर से हम लोग मस्ती कर रहे हैं, डांस वांस भी किए तो काफ़ी थक गए हैं। अब इरफान सर के पास चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आइए, इरफान सर से हम जानते हैं कि कैसा रहा, क्या थक गए हैं क्या? हेलो इरफान सर। नहीं नहीं, थके नहीं हैं, वो तो बस ये है कि एंजॉय ही इतना है कि बैठ के भी और दूसरों का भी देख रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं लेकिन दूसरों का भी देख रहे हैं, वो किस तरीके से कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक रहे हैं, कोई उठा के पटक रहा है, कोई पटक के उठा रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, जो बन पा रहा है, कोई घोड़े की सवारी कर रहा है, कोई राइडिंग कर रहा है, कोई ओवर राइडिंग कर रहा है, सभी तरह का एंजॉय कर रहे हैं, बस रहा है। बता दें कि हम लोग जो ये टूर प्लान किए हैं तो उसके मास्टरमाइंड हमारे इरफान सर हैं और इन्होंने खाने पीने आयोजक बेहतरीन आयोजक कर रखी है, आयोजक हम ही हैं। हम लोग जो है दोपहर का लंच करेंगे इरफान सर के नेतृत्व में। एक बात और बता दें कि इस लंच के बाद हम लोग काव्य गोष्ठी का भी आयोजन करेंगे और इरफान सर बहुत अच्छी कविताएं भी पढ़ते हैं, तो अब इरफान सर का निर्देश है कि सब लोग कहीं इकट्ठा होते हैं और थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद हम लोग काव्य गोष्ठी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। मनोज लोड हो रहे हैं।